तो कैसे हो आप सभी, स्वागत है मेरे चैनल आज एक टेक इन्फॉर्मेशन। तो कहीं आज का हमारा वीडियो बहुत ही मतलब एक शानदार होने वाला था। इस वीडियो तो एंड तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल बने हो तो कहीं सब्सक्राइब जरूर करना, तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। कहीं आज मैं आपको इस वीडियो में काइन मास्टर के कुछ ऐसे मतलब बारे में बताऊँगा, जिससे आप मतलब अपने वीडियो को बहुत ही अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब किस तरह से इसमें सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊँगा, तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। काइन मास्टर आप सबके पास होगा, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं इसमें कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे वीडियो और कैसे इसमें सिस्टम है, फंक्शन वगैरह जो भी। जैसे कि ये हमारा ये मतलब कि मैन यहाँ पर अपना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि कुछ भी है, जैसे कि आपको एग्जांपल के तो जैसे कि ब्लैक स्क्रीन, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपको इसमें ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन है, जिससे कि आप मतलब कोई भी उसको हटाकर उसका ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड वो है वो आप हटा सकते हैं। तो वो कैसे है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि ये ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो किसी का बैकग्राउंड है ग्रीन स्क्रीन, ये मैं पूरा हटाना और ये लाव है इसको ही रखना है। तो आपको क्या करना, इस पर आपको टैप करना है और या क्रोमा के पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको एनेबल करना है, ठीक है। तो इस पर अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो ऊपर वाला है इसको ले को थोड़ा यहाँ से आगे करना है गाइज, और यहाँ से ये है इसको थोड़ा कम करना आगे। अब देख सकते हो गाइज, जैसे कि ये हमारा इस तरह से, जैसे कि ये तो ग्रीन स्क्रीन हुआ, इसमें और भी कलर को आप मतलब हटा सकते हो, जैसे कि ये है पीला, ठीक है। और इसमें इसको मतलब रखना है और ये पीछे का ये इसको हटाना पीला कलर को। तो यहाँ पर आपको वापस यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर करना है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये पीला कलर, अगर यहाँ पर के कलर में पीला नहीं आया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर जो पीला कलर है उसको आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड पीला कलर का, इसलिए आप अगर ग्रीन होता है तो ग्रीन करते, पीला होता है तो पीला करना, रेड हो तो रेड करना है, और ब्लू हो तो ब्लू करना है। इस तरह आपका कलर चेंज करके इसको थोड़ा सा उसको ऐसा करना है, जैसे कि इस तरह, जैसे कि ये तो मैंने अपने खुद के हाथों से बनाई है ग्रीन स्क्रीन, आपको एग्जांपल के तौर पे पता है। लेकिन आप जैसे यूट्यूब से जो भी ग्रीन स्क्रीन होती है वो अगर आप यहाँ पर सुधारें तो बहुत ही अच्छे से उसका बैकग्राउंड यहाँ से क्लियर होता है। तो गाइस ये थोड़ा बहुत है, और भी गाइस में है कि आप कोई भी टैक्स है जिसको आप चलते हुए कैसे लिखते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ तारा है, ये जो भी है। अब आप इसको थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। अब इसको आपको जैसे कि आपने बहुत चीज़ देखा हुआ है क्या चलते हैं, तो वो आप इसमें कैसे कर सकते, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर आपको क्लिक करना है और पहले तो इसको यहाँ से थोड़ा इतना रखना है। अब आपको इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर साबित पर क्लिक करना है और यहाँ से थोड़ा सा आपको आगे जाना है, फिर यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको आपको यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर इसको पूरा गाइज आपको क्या करना है, पूरा ले जाना। अब इसको ओके करना, अब यह क्या करना, इसको बड़ा करना है। तो मैं आपको बता दूँ भाई, इसको जैसे बड़ा करेंगे तो ये क्या थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, जैसे कि मैं इसको और बड़ा कर, जितना मतलब लंबा खींचेंगे उतना ही मतलब धीरे धीरे चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब शानदार जा रहा था। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट का भी इसमें मतलब अच्छे से एडिट करके आप वीडियो बना सकते हो, तो ये भी मतलब बहुत ही अच्छा फीचर है गाइस। और इसमें और भी है, जैसे कि इसमें आप वॉइस ओवर कर सकते हो, इसमें वापस आप वॉइस मतलब अपनी खुद की डाल सकते हो, तो गलत हुआ है और उसको आप वापस यहाँ से एडिट कर सकते हो यहाँ से। और भी इसमें बहुत सारे, यहाँ से आपको स्टिकर वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, जो कि आप एयरफोन पर करेंगे यहाँ से आपको बहुत सारे स्टिकर वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो मतलब बहुत सारा ऑप्शन है इसमें, बहुत से और भी कई इसमें मतलब कि जैसे कि और जैसे आपको बैकग्राउंड के तौर पर यहाँ पर आपको जैसे कि मैं इसको यहाँ कट करता हूँ, कट करता हूँ, इसमें भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं इसका बैकग्राउंड। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे आप आपको बहुत सारा मतलब जैसे कि आप आप डाल सकते हो, बहुत ही मतलब
चाहिए और भी गाइस को, ज़्यादातर आप गाइस के अगर इसको एडिट करते हो यहाँ से इसको यहाँ से आप काम हो आप ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो इस तरह आप ज़्यादातर इसमें लेयर का ये ऑप्शन ज़्यादा होता है जिसमें आप हैंड राइटिंग भी कर सकते हो, कोई भी आप मतलब जैसे कोई वीडियो बना रहे हो उसमें जैसे बता रहे हो तो आप उसमें आइकन बता सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है ये है, इस तरह आप अपना टेक्स्ट आइकन उसको पेज में पूरी आसानी से बना सकते हो। इसमें जैसे बहुत ही और यहाँ पर आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो ताकि कहीं मिले ना। अब जैसे कि मैं इसको हिलाना चाहता हूँ एप्लीकेशन। अगर आपको वाटरमार्क के बिना एप्लीकेशन चाहिए तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना जिसमें वाटरमार्क नहीं आएगा। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो काइंडमास्ट पर, तो कैसे लगा मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।